हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। और ये इमेजेस आप लोग को देख के याद आ ही रहा होगा कि ये हम लाइव वीडियो जब करवा रहे थे तब हम कर किए थे, और पता ही होगा कि टॉपिक क्या था हमारा उस टाइम पे। तो हमारा टॉपिक था रोमन आर्ट, वहाँ पे हम स्कल्पचर्स के बारे में बात कर रहे थे। रोमन आर्ट के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम रोमन आर्ट के जितने भी आर्किटेक्चर हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किए थे, तो वो वीडियो अगर नहीं देखे तो देख ले। आज हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं रोमन आर्ट का, जिसमें से हम आज दिखाएंगे आप लोगों को रिलीफ स्कल्पचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे पहले प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें। तो हमारा पोर्ट्रेट ऑफ हदारियन और क्रिस्टेरियन स्टेटस ऑफ मार्कस ऑरेलियस तक हो गया था, इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो लोग प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे क्या होगा, कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो ये हमारा यहाँ से सेकेंड पार्ट रोमन आर्ट का शुरू होता है, जहाँ पे हम रिलीफ स्कल्पचर्स के बारे में बात करेंगे। अब रिलीफ क्या होता है ये मैं बहुत बार आप लोगों को बात कर चुकी हूँ कि रिलीफ जो कि है 2D में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका सरफेस है और इसमें अगर कुछ उभरी हुई नक्काशी हम करते हैं या इसका कार्व करते हैं तो वही रिलीफ स्कल्पचर्स होता है। और इमेज भी लाए हैं तो इमेज में हम रिलीफ स्कल्पचर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, सो डोंट बी बड़ी। और फ्रेंड्स, बहुत अफसोस हो रहा है कि लाइव चैट नहीं कर पा रही हूँ मैं। आज कल 2-3 दिन से डेली इसी पे वर्क कर रही हूँ, बट जो भी मैं ये यूज कर रही हूँ ना, जो ऐप यूज कर रही हूँ वो ऐप जो कि है लाइव स्ट्रीम होने के लिए नहीं दे रहा है। उन लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिए हैं और हम कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करने से क्या होता है, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। तो आप लोग भी इसी तरह से UGC नेट में अपनी कोशिश करते रहें, अगर कोशिश करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं अभी भी चाहूँ तो लाइव क्लास ले सकती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए मुझे पूरा एक रूम सेटअप करना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे कैमरा लगाना पड़ेगा, ट्राइपॉड लगाना पड़ेगा, और आप जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती हैं। और मैं अभी ऐसे इसमें नहीं हूँ कि मैं एक रूम को सेटअप कर सकूँ, इसीलिए हम विदाउट लाइव ही रहेंगे वीडियो में। और प्रीमियर में वीडियो रहेगा, 9:30 बजे मैं हर दिन प्रीमियर में रखूँगी, वो जो भी चाहें वहाँ पर हमसे क्वेश्चंस क्वेरीज कर सकते हैं, वहाँ पे लाइव चैट रहेगा, ठीक है। तो आइए विदाउट डेरी किए हुए अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो रिलीफ स्कल्पचर्स हुआ गया, थोड़ा सा पहले रिलीफ स्कल्पचर्स होता क्या है उसका डिस्क्रिप्शन समझ लेंगे, उसके बाद हम स्कल्पचर्स के बारे में बात करेंगे। तो द रिलीफ्स वर माउंटेड ऑन पब्लिक बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स सच एज दी आरा पैसिस अगस्ते। आरा पैसिस अगस्ते जो भी है आपका उन लोग के लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं अल्तार ऑफ अगस्तन पीस। आरा पैसिस अगस्ते को ही इंग्लिश में बोलते हैं अल्टार ऑफ अगस्तन, और इसी को हमने हिंदी में ट्रांसलेट भी किए हैं, तो हिंदी वाले के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एज वेल एज कॉमेमोरेटिव कॉलम्स एंड आर्चेस। तो आर्च क्या होता है, आर्च आप लोगों को समझा दूँ, ये जो होती है फॉर एग्जांपल ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर अगर हम इस तरह से अर्ध चांद कर देते हैं तो ये आपका आर्च कहला गया, ये आपका आर्च हो गया। कॉलम तो मालूम ही है कि दो चीज़ बनी हुई होती हैं, जैसे कि सारनाथ का जो पिलर है उसमें भी कॉलम दिखाया गया है, इस तरह से जो चीज़ होती है इसके ऊपर इस तरह से बना होता है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। तो हिंदी में अगर हम इसी को ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा रोमन आर्ट में रिलीफ मूर्ति कला का भी उपयोग हुआ है, पब्लिक बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स में भी रिलीफ मूर्ति दर्शाया गया है, कॉलम और आर्च में भी रिलीफ स्कल्पचर्स देखा जाता है। कहने का मतलब सिंपली ये है कि समझ लीजिए कि रोमन आर्ट में स्कल्पचर के साथ साथ रिलीफ स्कल्पचर्स का भी उपयोग हुआ है, और जो भी बिल्डिंग है मॉन्यूमेंट्स है उसमें भी रिलीफ मूर्ति दर्शाया गया है, और जो कॉलम और आर्च है उसमें भी रिलीफ स्कल्पचर्स को देखा जाता है। इंग्लिश वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट है आरा पैसिस अगस्ते अल्तार ऑफ अगस्तन पीस। तो आइए इस इमेज को पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं यही है वेस्ट फैसाड है, यानी कि इसके वेस्ट फैसाड मतलब कि जैसे कि ये चार तरफ है तो चारों तरफ एक साइड ईस्ट होगा, एक साइड वेस्ट होगा, एक साइड नॉर्थ होगा और एक साइड साउथ होगा। तो ये जो फसाद आप देख रहे हैं ये आप वेस्ट फसाद देख रहे हैं, वेस्ट फसाद ऑफ आरा पैरिस अगस्ते यानी कि अल्तार ऑफ पैरिस अगस्तस का, और ये मार्बल में बना हुआ है, ठीक है। इसका डिटेल हम यहाँ से देख लेंगे, जो हम पढ़ा रहे थे डिटेल आप यहाँ से देख लीजिए। ये 1300 से 900 BCE में बनाया गया है, और BCE को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों को हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है म्यूजियम ऑफ दी आरा पैसिस अल्तार पीस रोम। तो कहाँ है ये अल्तार पीस, ये रोम में है, और ऑन ईस्ट एंड वेस्ट साइड फ्लैंकिंग टू एंट्रेंसेस यानी कि ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में फ्लैंकिंग टू एंट्रेंसेस यानी कि आप ईस्ट से भी इंटर कर सकते हैं और वेस्ट से भी इंटर कर सकते हैं, दोनों तरफ से एंट्रिंग का जो कि है स्पेस दिया गया है।
री पैनल्स रिप्रेजेंट एलिगोरिकल फिगर्स और पर्सोनिफिकेशंस एंड फिगर्स फ्रॉम रोम्स लीजेंडरी पास्ट, यानी कि जो भी रिलीफ पैनल्स है उसमें एलिगोरिकल फिगर्स दिखाए गए हैं, पर्सोनिफिकेशन दिखाए गए, और साथ ही साथ रोम का जो लीजेंडरी था, रोम के जो पहले के जो मेमोरी थे, वहाँ का जो अपना अस्तित्व है, वैसे फिगर को दिखाया गया। जैसे कि हिंदू में अगर हम बात करें तो हिंदू में ज़्यादातर हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू ट्रेडिशन को दिखाया जाता है, उसी तरह से रोम के जो ट्रेडिशन है, रोम के जो पहले के जो लीजेंडरी लोग रह चुके हैं, लीजेंडरी यानी कि कोई राजा है या फिर कोई लीजेंड है, उनके फिगर्स को दिखाया गया है। दूसरा है, उसी का पार्ट है आरापेसिस अगस्ते का, इम्पेरियल प्रोसेशन साउथ फ्रिज। तो आइए पहले हम इसका इमेज देख लेंगे। इमेज देख लेने से क्या होता है कि चीज़ें समझ में आती है। तो ये है आपका इम्पेरियल प्रोसेशन साउथ फ्रिज, जो कि आरापेसिस अगस्ते का है, और ये भी 13 से 9 BCE में बनाया गया है। मीडियम क्या है, तो मीडियम मार्बल है। हाइट है इसका 5 फुट 3 इंच, अगर मीटर में देखा जाए तो 1.6 मीटर। कहाँ है, तो रोम में है। डिस्क्रिप्शन समझेंगे, डिस्क्रिप्शन के बारे में आप लोग बेफिक्र रहें। तो ये रहा डिस्क्रिप्शंस, इम्पीरियल प्रोसेशन साउथ फ्रिज आरापेसिस अगस्ते का हाइट बता दिए हैं 5 फुट 3 इंच, नॉट इम्पॉर्टेंट। और नॉर्थ एंड साउथ साइडेड्स, यानी कि जो भी आप ये हम फ्रिज के बारे में कर रहे हैं, ये नॉर्थ एंड साउथ साइड में दिखाया गया है। द अपर रजिस्टर्ड कंटेंट्स, यानी कि जो ऊपरी भाग है, अपर कंटेंट्स का मतलब क्या, जो ऊपरी भाग है उसमें कंटिन्यूस प्रोसेशन फ्रिजेस दैट पोर्ट्रे मेंबर्स ऑफ द इम्पीरियल फैमिली इंटरपर्स्ड विद द कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स एंड सेनेटर्स, यानी कि जो अपर पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेशन दिखाया गया, यानी कि जिसे हम जुलूस हिंदी में कहते हैं, प्रोसेशन को हिंदी में जुलूस कहते हैं, तो एक जुलूस के तरह इमेजेस को दिखाया गया है। फ्रिज इमेजेस, फ्रिज मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे हम कहते हैं ना स्टैचू तो समझते हैं, उसी तरह से फ्रिज यानी कि एक ही अवस्था में, अगर आप खड़े हैं तो ऐसे ही खड़ा रहना है, किसी को इस तरह से देख रहे हैं तो इसी तरह से देखना है। आप लोग को एग्जांपल दिखाती हूँ, फ्रिज मतलब देखिए कोई हिल नहीं रहा, एकदम एक जैसे खड़े रहना, एक ही पोजीशन में खड़ा रहना फ्रिज हो जाना कहते हैं, ठीक है, कोई हिल नहीं रहे हैं। और देखिए प्रोसेशन की तरह, जुलूस की तरह दिखाया गया, कैसे सब एक साथ कंटिन्यूटी में खड़े हैं, इसी को कहते हैं प्रोसेशन। और फ्रिज का मतलब तो समझ गए कि हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे है जस के तस रहना है। ओके, दैट पोर्ट्रे मेंबर्स ऑफ द इम्पीरियल फैमिली, तो वो जो प्रोसेशंस दिखाया गया है वो प्रोसेशंस किसका है, वो इम्पीरियल फैमिली के मेंबर्स को पोर्ट्रे किया गया है। इंटरपर्स्ड विद द कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स एंड सेनेटर्स, और उसके साथ साथ किसके क्या दिखाया गया है, इम्पीरियल फैमिली के मेंबर को पोर्ट्रे करने के साथ साथ प्रीस्ट्स यानी कि पुजारी और सेनेटर्स यानी कि सन्यासी को दिखाया गया है। नेक्स्ट है आर्च ऑफ टाइटस रोम। आर्च ऑफ टाइटस जो कि आपका आर्किटेक्चर है, इसका भी इमेज दिखा दूंगी, ये आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है, मैं पहले भी करवा चुकी थी बट एक बार फिर से यहाँ पे दे दी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है रोम का आर्क ऑफ टाइटस। इसका डेट है आपका, यानी कि CA का फुल फॉर्म होता है सिरका, CA का फुल फॉर्म होता है सिरका, जैसे कि BCE का फुल फॉर्म बताए थे बिफोर कॉमन एरा, उसी तरह से CA का फुल फॉर्म होता है सिरका, बहुत बार शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ CA लिखा होता है। तो 81 CE हो गया, 81 कॉमन एरा। मीडियम क्या है, मार्बल है। इट मे हैव बीन ए ट्राइम्फियल मॉन्यूमेंट, यानी कि ऐसी संभावना है, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जा सकता है कि इसमें एक ट्रम्फियल मोन्यूमेंट को देखा जा सकता है। बट गिवन दैट इट्स इंस्क्रिप्शन एंड ए स्मॉल रिलीफ पैनल डिस्क्राइब टाइटस एज ए गॉड, यानी कि अगर आप उसके आर्क ऑफ टाइटस जो है उसमें इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आप उस इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, एक स्मॉल रिलीफ पैनल है उसमें डिस्क्राइब किया गया कि टाइटस इज ए गॉड, यानी कि टाइटस जो है, टाइटस क्या है, टाइटस एक गॉड है, टाइटस एक भगवान है। तो हिंदी वाले नोट कीजिए, आर्क ऑफ टाइटस जो कि रोम में है। गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन प्रेस कर दें। बेल की आइकन आपको ऑल पे प्रेस करना है ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
ओके तो हम यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे कि आर्क ऑफ टाइटस जो कि रोम में है उसका जो ट्रायम्फल मॉन्यूमेंट उसमें आर्क ऑफ टाइटस में ट्रायम्फल मॉन्यूमेंट देखा जा सकता है एंड जो इंस्क्रिप्शंस दिया हुआ है उस इंस्क्रिप्शंस के पैनल में डिस्क्राइब किया गया कि टाइटस एज ए गॉड यानी कि टाइटस को गॉड के रूप में उस पैनल में डिस्क्राइब किया गया है। अब नेक्स्ट रिलीफ है रिलीफ इन बे ऑफ आर्क ऑफ टाइटस शोइंग प्रोसेशन ऑफ स्पॉइल्स फ्रॉम द टेम्पल इन जेरूसलम। तो आइए दोनों की इमेजेस साथ में देख लेते हैं आर्क ऑफ टाइटस की और जेरूसलम वाले। तो ये है आपका इमेज आर्क ऑफ टाइटस का जो कि मार्बल में बना हुआ है और ये इमेज है रिलीफ इन बे ऑफ आर्क यानी कि रिलीफ का मतलब देख लीजिए आप समझ रहे हैं ना रिलीफ अच्छे से समझ रहे हैं ना। ये देखिए किस तरह से ये वॉल में किस तरह से ये फिक्स है उभरा हुआ है। इसके पीछे का पार्ट हम नहीं देख पाएंगे राइट सिर्फ सामने की ही पार्ट देख पाएंगे और जब 3D की हम बात करते हैं तो 3D चारों तरफ से आप घूम घूम के उसे देख सकते हैं और 2D को आप सिर्फ फ्रंट साइड से ही देख सकते हैं बैक साइड से नहीं देख सकते हैं। तो जब स्कल्पचर 2D होता है तो उसका टर्म होता है रिलीफ। अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि रिलीफ स्कल्पचर्स कौन से डायमेंशन में होता है वहाँ पे 2D 3D क्वार्टर ऐसा कुछ रहे तो आपको आंख बंद करके 2D पे लगा देना है। ओके तो रिलीफ पे इन आर्क ऑफ टाइटस शोइंग प्रोसेशन स्पॉइल्स फ्रॉम द टेंपल इन जेरूसलम सिरका है 81 CE और मीडियम क्या है मार्बल हाइट है 7 feet 10 inches। तो इस इमेज के डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लीजिए इसका डिस्क्रिप्शंस हो गया। अब है आपका सोइंग टाइटस राइडिंग इन ट्रियम्फ ये भी टाइटस से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट आप लोग को स्कल्पचर्स के बारे में बात कर रहे थे रिलीफ स्कल्पचर्स के बारे में तो ये भी आपका रिलीफ स्कल्पचर्स स्टार्ट हो गया है नंबर 12 से फ्यूनरी रिलीफ ऑफ ए बुचर एंड ए वेमन ये टाइटल है रिलीफ स्कल्पचर का जो कि मिड सेकेंड सेंचुरी में बनाया गया है 2nd century CE में और यह मार्बल में है। कहाँ है ड्रेसडन में। इंग्लिश वाले साफ साफ लिख ले फ्यूनरी रिलीफ ऑफ ए बुचर एंड ए वुमेन मिड 2nd century CE मार्बल ड्रेसडन। इंग्लिश वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो मैं लिखी हूँ एज इट इज लिख ले और हिंदी वालों के लिए भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दी हूँ। अब इस चीज़ को तो हिंदी में कुछ ट्रांसलेट किया नहीं जैसे मिड मतलब मध्य हो गया सेकेंड मतलब दूसरा सेंचुरी मतलब शताब्दी और सीई का ईसा पूर्व हो गया मार्बल को आप संगमरमर लिख लीजिए और ड्रेसडन को हिंदी में ड्रेसडन ही होगा राइट। तो यहाँ पे इस इंग्लिश को हिंदी में करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट है फ्यूनरी रिलीफ ऑफ तिब्नान फ्रॉम पालमायरा। तो इस ये पढ़ने के पहले हम चलते हैं फ्यूनरी रिलीफ ऑफ ए बुचर एंड वुमेन के इमेज पे एक बार इमेज देख लेंगे तो याद रहेगा आपको अच्छे से। तो हाँ ये है फ्यूनरी रिलीफ ऑफ ए बुचर एंड ए वुमेन। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक बुच्चर है देखिए मीट काट रहा है इसके हाथ में मीट काटने वाला औजार है जो भी इसे मुसरा या कुछ कहते हैं आई डोंट नो और ये एक वेमन है जो कि कब कार्व किया गया है तो मीट सेंचुरी में बनाया गया है बस। और पहले वाले इमेज देख लेते हैं ये कॉलम बेस ऑफ एंटोनियस पायस एंड फोसिना देखिए ये भी रिलीफ है। ये जो हम आर्क ऑफ टाइटस के बारे में बात कर रहे थे वही रिलीफ इन बे ऑफ आर्क ऑफ टाइटस शोइंग टाइटस राइडिंग इन ट्रम्फ यानी कि टाइटस जो कि है अपनी जीत की खुशी में क्या कर रहे हैं घुड़सवारी कर रहे हैं। ये इमेज तो आप लोगों को दिखाई दिए थे तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे फ्रेंड ये वाला करके हम वीडियो को एंड कर देंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए फीडबैक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं नोट्स के बारे में भी आप लोग को बता दी थी कि जिसे भी नोट्स चाहिए वो mijeshkumar@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोगों को। और अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्यूनरी रिलीफ ऑफ ए बुचर एंड ए वुमेन का इमेज देख लिए। अब हम बात करेंगे फ्यूनरी रिलीफ ऑफ तिब्नान फ्रॉम पालमेरिया। और एक चीज़ मैं अनाउंस कर दूं कि जो भी मैं नोट्स आप लोग को दे रही हूं उस नोट्स के लिए फ़ी एप्लीकेबल है यानी कि थोड़ी सी फ़ी आपको देनी पड़ेगी आई होप यू विल नॉट माइंड। सो ये सीरिया में है फ्यूनरी रिलीफ ऑफ तिब्नान कहाँ है तो सीरिया में है और इसका सिरका है 150 से 200 CE पेंटेड लाइम स्टोन यानी कि
चूना पत्थर में पेंट किया गया, हिंदी वाले नोट कर लें। और कहाँ है तो लुब्र म्यूजियम में है, और लुब्र म्यूजियम कहाँ है तो लुब्र म्यूजियम पेरिस में है। सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी सी, ये मतलब अगर जैसे ये डेट है ना, इसको हम कैसे कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी सी, यानी कि सेकेंड सेंचुरी के दूसरे सेकेंड हाफ सेंचुरी में, ठीक है। द सब्जेक्ट एस्तिबनान एन इलाइट वेमेन हु होल्ड्स ए स्मॉल चाइल्ड इन वन आर्म। इसमें यह कह रहा है कि जो टिबनान का सब्जेक्ट है, जो टिबनान का विषय है, वो विषय है कि एक इलाइट वेमेन है जो एक छोटे बच्चे को अपने बाह में होल्ड किए हुए ही हैं, यानी कि अपने हाथ में लेके रखी हुई, जैसे कि छोटे बच्चों को गोद में लिया जाता है, अपने बाहों में रखा जाता है। इमेज दिखा देते हैं, इसी यही है टिबनान, जो कि पालमेरिया सीरिया में से, सीरिया में ये वुमेन का पिक्चर है। और ये कहाँ संग्रहित है तो ये लुब्र म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। इसका मीडियम हम आप लोग को बता दिए थे, इसका मीडियम है लाइम स्टोन, यानी कि चूना पत्थर हिंदी में बोलते हैं। और देखिए कैसे यहाँ पे, देखिए कैसे बच्चे को अपने आर्म में लिए हुए हाथ में, ये देखिए छोटा सा बच्चा है, राइट। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होंगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली लाइव वीडियो अगर होता, लाइव क्लास होता, तो ये सारा मैं एक दिन में ख़त्म कर देती, बट लाइव नहीं होने के कारण रोमन आर्ट का मुझे फोर्थ पार्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका फर्स्ट स्टाइल क्या है, सेकंड स्टाइल क्या है, थर्ड स्टाइल, फोर्थ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। रोमन आर्ट में कुछ कुछ पेंटिंग भी हुई है, ये पेंटिंग ही है, तो पेंटिंग के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो भी नोट्स लेना चाहते हैं ये लीजिए, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच के एक साथ रख सकते हैं। और जो लोग भी नोट्स लेंगे ना, उसके लिए एक और चीज़ बात बता दूँ, जो लोग भी नोट्स लेंगे उनको तो सब कुछ टाइपिंग किया हुआ मिलेगा ही, साथ साथ जो मैं डेली पढ़ाती हूँ, ये सब जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।